सर कल जिस प्रकार सर राजस्थान यूनिवर्सिटी में आप आपकी मौजूदगी में हुआ है सर 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 कनेक्ट नहीं करो मेरी बात देखो सर मेरी बात तो सुनिए मैं वो अलग से बात कर लेंगे अभी इसके साथ नहीं जीएल शर्मा जी का लेना ये बिल्कुल सच बात है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए और जो कुछ हुआ है क्योंकि आपने बताया कि बड़ा महाविद्यालय है तो वो तो आप और हम सभी जानते हैं ये कार्यक्रम उसी महाविद्यालय का था मुझे तो बतौर अतिथि के तौर पे वहाँ बुलाया गया था इसलिए मैं वहाँ पर उपस्थित था और विश्वविद्यालय के नाते मैं कभी नहीं चाहूँगा कि इस तरह की कोई घटना की पुनरावृत्ति भविष्य में हो सर इसमें तो दिशा निर्देश क्या दिए गए हैं सर क्योंकि छात्र वहां पर 150 से 200 छात्र साथ में पहुंचे थे उनको रोकने का कोई इंतजाम नहीं था पुलिस खड़ी थी कॉलेज प्रशासन की ओर से हमें कोई दिशा निर्देश नहीं मिले आप भी बराबर समय समय पुलिस प्रशासन को बुलाते हैं तो एहतियात के तौर पर कोई चूक उस पर क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी सर जो विश्व नजीर बने सर प्रशासन से बात करेंगे कॉलेज के प्रशासन से और पूरी स्थिति को समझ के मैं तो यही कहूंगा कि ऐसा पुनरावृत्ति कभी ना हो इस तरह की चीज को संज्ञान में जाए कहना तो हर किसी के लिए आसान है लेकिन कार्रवाई क्या सुनिश्चित होगी सर आपके कार्रवाई हुआ हाथापाई हुई कार्रवाई वो पूरी तरह से विस्तृत तौर पे बताएंगे फिर इसके बाद में हम उसके ऊपर सर अतिथियों को लेकर वो डिस्प्यूट चल रहा है कि कुछ गुट कह रहे हैं कि बुलाया था कुछ गुट इसीलिए तो एक हम उनसे एक रिपोर्ट लेंगे उसके ऊपर ही सारी कार्रवाई ठीक है थैंक यू